वेलकम टू नेक्स्ट नौकरी। नेक्स्ट नौकरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। तो देखिए, आज का जो वीडियो है यह करंट अफेयर्स का, इसमें 45 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हमने करंट अफेयर्स के लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। अभी देखिए, कोरोना वायरस की वजह से आप सभी लोग घर के अंदर हैं और बिल्कुल घर के अंदर ही आपको रहना है, जिससे कि आप सेफ़ रह सकें और औरों को भी सेफ कर सकें, ठीक है। तो इससे आपको एक बेहतरीन, मतलब कहना चाहिए एक टाइम मिल रहा है एजुकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप घर के अंदर हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग कहते रहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है। आपका समय भी सदुपयोग हो जाएगा और उसके अलावा देश में भी आप योगदान दे पाएंगे, ठीक है। देश की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आप अपना योगदान भी दे रहे हैं और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है आपके सामने, है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जिनको नोट्स चाहिए और जो करंट अफेयर्स है, स्पेशल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन और अदर्स जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर जो रहेगा वो आंसर रहेगा 65,000, ठीक है, 65,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 23 मार्च इसका आंसर है। और देखिए, इसमें बहुत सारे आपके ना डेज है ना, जो डेज वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी सारे डेज लिए गए हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर के कितने लाख करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी दे दी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की, तो 1,00,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका जो आंसर है यहाँ देख सकते हैं आप, 1,00,000 करोड़ रुपए के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है। देखिए, जो 26 मार्च में चुनाव होने वाला था, उसको टाल दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तपेदिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 24 मार्च देखिए, दूसरा डे आ गया है, आपको याद कर लेने हैं डे, और ये डे बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे किया जाएगा, किस संस्थान में किया जाएगा, IIT मद्रास के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पक्का आने वाले हैं क्वेश्चंस हैं ये आपके परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पहला देश जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कनाडा, ठीक है। कौन सा है देश, कनाडा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, जब आपका पेपर आएगा उसमें पूछ लिया जाएगा कि किस देश ने सबसे पहले मना किया था ओलंपिक के लिए, ठीक है, तो कनाडा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 30,000 करोड़, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गाँव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। तो कौन से सोशल मीडिया पर की है, व्हाट्सअप पर, ठीक है, व्हाट्सअप ऐप पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड हिस्ट्री ने, यह विभाग ने कोरोना लॉकडाउन के समय जरूरी चीज़ों की डिलीवरी और उनके ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, ठीक है। कौन सा कंट्रोल रूम है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुए G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना की वजह से आई चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला किया है। तो देखिए, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा $5,00,000, कितना है, $5,00,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है 1340 करोड़ रुपए, ठीक है, 1340 करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे प्रत्येक साल किस दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसका आंसर रहेगा 27 मार्च के दिन। काफ़ी सारे डे देख लिए आपके, कवर हो गए, तीसरा या चौथा डे है, आप जरूर इनको याद कर लीजिए, पेपर में पक्का आते हैं डे से क्वेश्चन, ठीक है। RBI ने हाल ही में रेपो रेट 5.15% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के समय में, उस समय RBI ने रेपो रेट दर कितनी कर दी थी। इस तरीके से क्वेश्चन को डिटेल्स में जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए ये, 4.40%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्था की किस मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया है? तो दादी जानकी इनका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए जितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है, तो कितने करोड़ की कर दी है? 1.7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है वित्त मंत्री जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया? सतीश गुजराल, बहुत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितने रुपए तय की है? 16 रुपए, ठीक है, 16 रुपए तय कर दी है। अगला क्वेश्चन है, यूएस आर्मी के नए डिवीजन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, इस डिवीजन का क्या नाम है? तो इसका नाम है यूएस स्पेस फोर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने इजाजत दी है कि नए मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है? निर्वाचन आयोग ने कहा है, ठीक है, ये निर्वाचन आयोग वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, किस दिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर रहेगा 25 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसको कोरोना लॉकडाउन के समय अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी, इसका आंसर रहेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा G20 सम्मेलन किस देश ने कराया है? सऊदी अरब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है, तो कौन सी सरकार ने? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च। देखिए एक और दिवस आ गया है, तो इसलिए दिवस जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक का कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मनु डिबंगो। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने रियूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस ने। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही DSSSB के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये नौसेना थल सेना वायुसेना से संबंधित जो भी अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास, इस तरीके के क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये याद करने हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कैरिसा कैरेंडेंस की एक अन्य प्रजाति कैरिसा कोपली का पता लगाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया है? तो कर्नाटक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है DSSSB में कि ये जो यक्षगान है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है? कर्नाटक का, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसराइल के हिलेन फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमरीकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? तो एबल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है? तो बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है? तो 21 दिन की, ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई है, तो कौन सी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है DSSSB में, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कभी कभी इनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए जिस दवा की सिफारिश की गई है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक दवाई की सिफारिश की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है? डॉक्टर VK पाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जाँच के लिए
प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसी नामक तकनीक विकसित की है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आईआईटी दिल्ली। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है कि किसने पहली बार किया था कोविड 19 की जांच के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड 19 सेंटर किस अस्पताल में बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, सेवन हिल्स अस्पताल, और सबसे पहले भी किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा डिटेल्स में याद रखने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है DSSSB का ये क्वेश्चन भी, 22 मार्च है इसका आंसर। ठीक है, 22 मार्च याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो 144वां स्थान। कौन सा स्थान है? 144वां। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पर्वतारोही ने सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है सत्यरूप सिद्धांत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, तो 2 दवाओं को। ठीक है, अगला है कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया है, जनता कर्फ्यू। ठीक है, याद रखिएगा जनता कर्फ्यू। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 83 वर्ष की उम्र में लोक कोलकाता में निधन हो गया है, तो प्रदीप कुमार बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है विश्व गोरैया दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है, तो 20 मार्च। देखिए डे बहुत महत्वपूर्ण है, कितने सारे डेज आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर भी आप देख रहे होंगे। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, अगला है वह देश जिसने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अमरीका। तो आज के लिए बस इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, तो जिन लोगों को चाहिए नोट्स स्पेशल एजुकेशन के और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक आईडी सेंड करनी, कॉल मत कीजिए आप। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप एक मैसेज कीजिए, अपनी एक आईडी सेंड कीजिए, उसके बाद हम आपको प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित नोट्स रेडी हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और देश के विकास में योगदान देते रहिए, और अपने घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, घर के अंदर रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।